वहीं अजमेर में बढ़ते कोरोना पॉजिटिव के मामलों के बीच शनिवार को शहर में एक कोरोना मरीज की मौत हो गई। यहां यह पहली कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हुई है। जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर के सोनी ने बताया कि नला बाजार का 45 वर्षीय व्यक्ति जो कि कोरोना पॉजिटिव था, उसकी सुबह 11 बजे मौत हुई है। मृतक को शुगर की बीमारी थी और पिछले कुछ दिनों से वह वेंटिलेटर पर था। मौत के बाद उसका शव मोर्चरी में रखवा दिया है। एक कोई मिस्टर विनोद हैं जो नला बाजार से थे, 45 साल के, जो अनकंट्रोल डायबिटीज के पेशेंट थे, और उनकी आज डेथ हुई है। सर ये कोरोना पॉजिटिव, एक कोरोना पॉजिटिव था। कहाँ से निवास है सर? नला बाजार। कब आए थे ये डिटेल्स अभी मेरे बता दूंगा आपको। ये मेरे ख्याल से 24-25 तारीख को जब हमने वो सैंपल्स लिए थे एग्जैक्ट। तो चलिए इस वक्त फोनलाइन पर हमारे संवाददाता नितिन इस वक्त फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। नितिन, अजमेर में पहली मौत हुई है, फिलहाल क्या स्थिति है अजमेर की? निश्चित तौर पर चिंता का विषय बना हुआ है अजमेर में, जिसमें पहली मौत कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हुई है सामने आई है, जो नल्लावता निवासी था, विनोद कुमार नाम से थी, इनकी उम्र 45 वर्ष थी जी। अमित बिल्कुल। और नितिन, फिलहाल अगर बात करें तो अजमेर में भी कोरोना पॉजिटिव के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में किस तरीके से वहां का जो चिकित्सा विभाग है वो काम कर रहा है? चिकित्सा विभाग अपनी पूरी सुविधा दे रहा है, हर मोहल्ले में, हर मतांतर चौने में उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है, और जितना हो सकता है उनको अवॉइड किया जा रहा है, यहाँ से बाहर ना आए, और ऐसे संदेश बार बार मतलब सबकी तरफ से दिया जा रहा है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका नितिन।